नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इसमें हम मौजूद हैं पांडु बथान में और यहां पर आप देख सकते हैं आरजेडी के श्रम मंत्री जो हैं, आरजेडी के जो नेता हैं सत्यानंद भोक्ता जी, वो इस समय मौजूद हैं और सैकड़ों गाड़ियों का हुजूम इस समय यहां पहुंचा है शहीद वीरेंद्र महतो के शहीद दिवस पर। और यहां पर देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने किस तरीके से यहां पर फूल वगैरह देकर, पुष्प वगैरह देकर इनका जो है सम्मान किया जा रहा है। पूरा गाँव यहाँ पर इस समय जुटा हुआ आपकी आंखों के सामने और वीर शहीद वीरेंद्र महतो जी के शहादत दिवस पर जो है यहाँ शहीद मेला लगा है। यहाँ देख सकते हैं फूल लेकर और पांव छूकर यहाँ पर जो है संथाली अंदाज में इनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है और यही सम्मान, यही शहादत दिवस की बात को लेने को यहाँ पर ये मौजूद हैं। और यहाँ पर महिलाएं जो है यहाँ पर नाच गाकर अपने मंत्री को, अपने श्रम मंत्री की यहाँ पर स्वागत करती दिखाई दे रही हैं। पैरों में पानी जल चढ़ाकर जो है इस स्वागत करने की परंपरा है और उस परंपरा को, संथाली परंपरा के तहत जो है यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में बाकी देखें तो यहाँ पर चारों तरफ संगीत का भी कार्यक्रम, नाच गाने का भी कार्यक्रम हो रहा है। महिलाएं सारे गांव की जुटी हैं, पुरुष यहाँ पर ढोलक बजाते दिखाई दे रहे हैं और शहीद मेला यहाँ पर लगा है। आपके आंख सामने वीर शहीद वीरेंद्र महतो के, उस पर यहाँ पर संजय प्रसाद यादव जी और आरजेडी के नेता संजय प्रसाद यादव जी और साथ में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और मेले की शुरुआत होगी आज पर। देख सकते हैं मौजूद होकर शहीद वीरेंद्र महतो जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी थी, उनकी शहादत पर यहाँ पर फूल माला और पुष्प जो है यहाँ पर चढ़ाते नजर आ रहे हैं। हर साल यहाँ पर मेला लगता है शहादत दिवस पर, शहीद वीरेंद्र महतो की बहादुरी को, उनके इस देशभक्ति की भावना को याद करने के लिए हर साल यहाँ पर शहादत दिवस पर मेला लगता है। और आज इसी मौके पर यहाँ मौजूद हैं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मंच पे कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर सारे नेताओं के मैं एक बार नाम बता दूँ, सुरेश पासवान जी मौजूद हैं, देवगढ़ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, साथ में फुरकान अंसारी जी मौजूद हैं, गुड्डा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, संजय प्रसाद यादव भी गुड्डा के पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में सत्यानंद भोक्ता जी से मौजूद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पर शहीद वीरेंद्र महतो जी की जो माता जी हैं कुटिया देवी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके होने से यहाँ पर पूरे जो माहौल में, पूरे जो कार्यक्रम में रौनक आई हुई है। उनके बेटे ने 1999 में जिस तरीके से शहादत दी थी, जिस तरीके से देश के लिए अपनी जान दी थी, वो अपने आप में मिसाल देने वाली चीज़ है। और इसके खुशी में, उसके उपलक्ष्य पे यहाँ पर हर साल मेले का आयोजन कराया जाता है और साथ में इस तरीके का जो कार्यक्रम है यहाँ पर हर साल होता है। वीरेंद्र महतो जी की शहादत को लेकर यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। अब इस खबर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ राज, तब तक आपसे बहुत धन्यवाद। श्री राम सर्जिकल अब आपके शहर गोड्डा में, जो लेकर आया है सर्जिकल की विशाल रेंज, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, स्थेटोस्कोप, व्हीलचेयर, बैसाखी बेल्ट, श्रवण यंत्र, सर्जिकल ग्लव्स, शक्सन मशीन इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ सर्जरी में इस्तेमाल आने वाले हर इंस्ट्रूमेंट्स को आप खरीद सकेंगे, जैसे कि डेंटल रेंज, जनरल सर्जरी रेंज, गायनोलॉजिकल रेंज, ऑर्थोपेडिक्स रेंज, फोर्सेप्स इत्यादि। संपर्क करें श्री राम सर्जिकल, भागलपुर रोड बासुमती नगर में स्थित अपोलो हेल्थ प्लस के फर्स्ट फ्लोर में खुल गया है। हमारा संपर्क है 7858017266 या फिर 9304952431।